नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, नेशनल पार्क की सीरीज चल रही है, एमपी जीके की सीरीज में नेशनल पार्क बहुत शानदार तरीके से हम कर रहे हैं। पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क को, 10 क्वेश्चन ऐसे जिससे आपको काफी मदद मिलेगी देखने को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले आप वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, सभी को जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास आज की। उसके पहले आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, ऑल एग्जाम प्लेस को फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर द सोन घड़ियाल सेंचुरी हैज बीन एस्टेब्लिश इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन घड़ियाल अभ्यारण है ना। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि सोन घड़ियाल अभ्यारण कौन से जिले में है, तो आंसर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। इस कौन सी नदी पे स्थापित किया गया है, नर्मदा, सोन, चंबल, केन। अब आपका आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में ही है, जल्दी बताइए इसका कमेंट में आंसर, फटाक से कमेंट करें इसके आंसर को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। इसका सही आंसर है बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है, सोन घड़ियाल सेंचुरी है तो कौन सी नदी पे होगा, सोन नदी पे होगा, है ना। बी आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं हम। अब देखिए, सोन घड़ियाल सेंचुरी जो है उसे 23 सितंबर 1981 को स्थापित किया गया था एज अ घड़ियाल अभ्यारण, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 83.684 वर्ग किलोमीटर, ये इतना फैला हुआ है। कहाँ का फैला है ये, सीधी, सिंगरौली, है ना, सतना, ये जिलों में भी सीमा टच करता है ना, शहडोल, है ना। इसके अलावा आपको बता दूं, यहां पर मगरमच्छ, कछुए बहुत ही प्राचीन प्रजाति के पाए जाते हैं, और केचुए जो हैं, केचुए की सबसे प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। सबसे पुराने वैरायटी के जो केचुए होंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोन घड़ियाल कहाँ पे है, शहडोल में है, सीधी आपका, इसके अलावा आपका सतना, सिंगरौली, यहाँ की भी सीमा टच करता है, किस नदी पर है, सोन नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैन अभ्यारण कब स्थापित किया गया, कैन सेंचुरी की बात हो रही है, कब स्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन 81 में, 75 में, 93 में या 87 में। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करें। जल्दी कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। बिल्कुल, इसका सही आंसर है 1981 में से क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। अब इसके बारे में कुछ अच्छे से तथ्य देख लेते हैं डिटेल में। अब देखिए, कैन सेंचुरी जो है हमारी, कैन सेंचुरी जो है 1981 में स्टेब्लिश की गई, कहां पर, छतरपुर पन्ना जिले में, कहां पर, छतरपुर पन्ना जिले में। एरिया है लगभग 45.20 वर्ग किलोमीटर के आसपास, लगभग 45 किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके अलावा यहां पर आपको मगरमच्छ प्रोटेक्टेड मिलेंगे, है ना। कैन अभ्यारण में क्या है, जनरली मगरमच्छ, घड़ियाल जो है आपके, ये देख सकती है आप, ये लेटा हुआ है प्यारा सा, ये लेटा हुआ है आपका घड़ियाल, है ना। इसके अलावा यहाँ पर खुदार नामक जुड़वा नदियों का मिलन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, कैन घड़ियाल सेंचुरी पोजीशन पॉइंट द ट्विन रिवर्स नेमली केन एंड खुद्दार। केन और खुद्दार नदी यहाँ पर आके क्या करती हैं, उनका संगम स्थल है, तो याद रखिएगा, संगम है किस नदी का, आपकी खुद्दार नदी का और केन नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शाही बुलबुल के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभ्यारण का क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल कितना है घाटी गांव सेंचुरी का, है ना। एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कहां पर है घाटी गांव सेंचुरी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताएं, घाटी गांव सेंचुरी फटाक से आंसर दें, घाटी गांव सेंचुरी।
बच्चों इसका सही आंसर है 510.640 स्क्वायर किलोमीटर। 510.64 किलोमीटर जो है वो घाटी गांव सेंचुरी का क्या है क्षेत्रफल है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। अब आपको बता दूं जो घाटी गांव सेंचुरी अभ्यारण्य है कौन से जिले में है आपके, ग्वालियर जिले में। कौन से जिले में है घाटी गांव, ग्वालियर जिले में। इसी प्रकार आपका स्थापना 1981 में है ना, भारतीय बस्टर्ड की संख्या को बढ़ाने के लिए की गई, इंडियन बस्टर्ड है ना, ये इंडियन बस्टर्ड है, इनको बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसे हम खारमोर भी कहते हैं बेसिकली आपका है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंडियन बस्टर्ड को बनाने के लिए की गई थी। क्षेत्रफल आपको पता है 510 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और ये बस्टर्ड के रूप में जाता है, ये इंडियन बस्टर्ड है ना, ये आपके इंडियन बस्टर्ड कहलाते हैं, इनकी संख्या को बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कौन से जिले में है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले 89 प्रजातियों पर आधारित पुस्तक लिखी थी। सलीम अली काफी फेमस वैज्ञानिक है, उनके नाम पर नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली नेशनल पार्क है ना। उसने एक बुक लिखी थी हमारे पक्षियों के ऊपर, वो कौन सी पक्षी मतलब कौन सी सेंचुरी में पाए जाते थे वो पक्षी। आपके ऑप्शन है कैन में, सेलेना में, बोरी में या सिंघोरी में। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर, फटाक से कमेंट में बताएं, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ वीडियो को दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर है सेलेना, इसका सही आंसर है सेलेना। सेलेना पार्क जो है अभ्यारण है उस पे आधारित जो पक्षी थे उस पे आधारित बुक लिखी गई थी। इसके बारे में बता देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी कहाँ पर है, कौन से जिले में लगती है, रतलाम जिले के सेलेना और पिपलोदा ब्लॉक में स्थित है ना, रतलाम जिले के सेलेना और पिपलोदा ब्लॉक में स्थित है। इसका एरिया जो है 12.96 किलोमीटर के आसपास का है। इसके अलावा 1983 में खारमोर जिसका नाम है लेजर फ्लोरिकन, खारमोर का नाम है लेजर फ्लोरिकन है ना, ये प्राकृतिक रूप से सुधार करने के लिए हमने अभ्यारण बनाया था, ये हमारे खारमोर पक्षी हैं, ये हमारे खारमोर हैं है ना, याद रखिएगा। तो किस लिए जाना जाता है सेलेना, खारमोर के लिए जाना जाता है मेनली। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सेंचुरी खारमोर के लिए जानी जाती है, तो आपका आंसर है भैया सेलेना पार्क जो है वो खारमोर के लिए जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अलावा यहां पर और भी बता देता हूं मैं सेलेना से रिलेटेड। हाँ अब इसमें और पॉइंट भी देख सकते हो, क्या क्या पॉइंट है सेलेना में देख सकते हो आप। ये अभ्यारण जो है कठियाबाड़ गिर के शुष्क पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ है ना, कौन से जंगल है, शुष्क पर्णपाती है। इसी के अलावा यहाँ पर कैक्टस गार्डन है, कैक्टस गार्डन है जो राजा दिग्विजय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था है ना, ये आप देख सकते हो ये कैक्टस गार्डन है, यहाँ पर डिफरेंट प्रजाति है कैक्टस की, वो दिग्विजय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था, लगभग 1200 से अधिक प्रजाति। और ये सेलेना गार्डन जो है पैलेस के पीछे है ना, लगभग यहाँ पर 50 प्रजाति तो भारतीय है और बाकी प्रजाति जो है कैक्टस की वो बाहरी प्रजाति है। तो किसने बनवाया, क्वेश्चन आ जाएगा कि सेलेना अभ्यारण में जो आपका कैक्टस गार्डन है वो किसने बनवाया, वो दिग्विजय सिंह जी ने बनवाया था। लगभग 1200 प्लस प्रजाति वहां पे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण, क्वेश्चन आ जाएगा सरदारपुर अभ्यारण कहां पर है, तो आपका यहीं से समझ में आ गया होगा धार जिले में। कौन से पक्षी की सुरक्षा की जाती है, किसके लिए प्रोटेक्टेड है, किसके लिए बनाया गया ये अभ्यारण, ये आपको बताना है। ऑप्शन है खारमोर, आपका तोता, मोर और सफेद कबूतर। चलिए जल्दी बताइए, फटाक से कमेंट करें आंसर इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है खारमोर, खारमोर पक्षी के लिए बनाया गया बेसिकली सरदारपुर है ना। तो इसकी स्थापना धार जिले में की गई है,
कब की गई? 1983 में की गई। याद रखिएगा सरदारपुर अभ्यारण धार जिले में है। 1983 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 348.121 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर खारमोर तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये खारमोर जो होते हैं कब आते हैं? जुलाई से अक्टूबर के महीने में, जुलाई से अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2005 से दूधराज हो गया, सुल्ताना बुलबुल या खादी यार हो गया, इनको भी संरक्षण दे रखा है। यहाँ पे भी वो पक्षी जो विलुप्त होने की प्रजाति है या फिर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, उनका भी संरक्षण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किया जाने लगा है, है ना। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा करेरा अभ्यारण किस नदी से होकर बहती है, मतलब कौन सी नदी बहती है करेरा अभ्यारण से? तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, करेरा अभ्यारण है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, करेरा अभ्यारण जो है आपका कहां पर है? शिवपुरी जिले में लगेगा करेरा अभ्यारण। ऑप्शन में है काली सिंध, देनवास, माहूर और बघेड़ी, चंबल और सोन। चलिए जल्दी आंसर दीजिए फटाक से, चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करते जाएं। अब इसका सही आंसर जो है वो है माहूर और बघेड़ी। माहूर और बघेड़ी नदी बहती है बेसिकली आपकी करेरा से। इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। करेरा आपका शिवपुरी जिले में है, है ना। नदी बहती है माहूर और बघेड़ी। इसके अलावा 1981 में एस्टेब्लिश किया गया है और 1972 के अधिनियम के तहत इसे अभ्यारण घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 202.2 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें से 146 किलोमीटर जो है वो निजी स्वामित्व की भूमि है, मतलब किसी प्राइवेट की भूमि में ये किया गया है, है ना, गवर्नमेंट की नहीं है, निजी भूमि है। चलिए इसके साथ साथ कुछ पॉइंट बता देता हूँ। भारतीय बस्टर्ड की आबादी के लिए जाना जाता है आपका, है ना, ये आप देख सकते हो इंडियन बस्टर्ड, ये इंडियन बस्टर्ड की आबादी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपका, इसके अलावा सोन चिड़ैया, ये इंडियन बस्टर्ड है आपका, है ना, और ये आपकी सोन चिड़ैया है, है ना, इसके लिए जाना जाता है। आपको बता दूं हालांकि 94 से यहाँ पर देखा ही नहीं गया जो आपका बस्टर्ड है, बट फिर भी हमने इसको बना के रखा है। इंडियन गैजल है जो, है ना, इंडियन गैजल, ये इंडियन गैजल है आपका, है ना, और आपका सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है, गोल्डन बस्टर्ड, या इसको आप सोन चिड़िया कह सकते हो, इंडियन बस्टर्ड कह सकते हो, इसके लिए जाना जाता है और ये आपका इंडियन गैजल कहलाता है, है ना। याद रखिएगा इन केस क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए आपको कि किस लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है? भैया अभ्यारण का नाम बताना है जो राजस्थान में भी है और आपके उत्तर प्रदेश में भी है। ऑप्शन में गांधी सागर है, चंबल है, सेलेना है या मोगली पैंच है। चलिए जल्दी बताइए फटाक से, कमेंट करें सभी लोग। चलिए तो इसका सही आंसर है चंबल अभ्यारण। चंबल जो है आपका वो आपका यूपी में भी जा रहा है, राजस्थान में भी कुछ हिस्सा शेयर करता है और एमपी में तो है ही भाई आपका। अब इसके बारे में जानते हैं हम क्या पॉइंट है। चंबल नदी आपको पता है, है ना, कहां से निकली है? इंदौर के पास में से निकली है, है ना। हाँ, चंबल नदी उद्गम है विंध्य पर्वतमाला, मिलती कहां पर है यमुना से? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मिलती है। इसके अलावा 1979 में से राष्ट्रीय अभ्यारण घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 3 राज्यों से होकर मिला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उससे उत्तर प्रदेश से। टोटल इसका एरिया है 635 वर्ग किलोमीटर, 635। और यहाँ पर आपको बता दूं 2017 में जो भिंड है उसका भाटी घाट है, वहां पर कछुए जो है प्रोटेक्टेड किए गए हैं, संरक्षित किए गए हैं, कछुए के लिए जाना जाता है आपका घाटी, भाटी गांव जो है आपका, भाटी घाट जो है आपका कहाँ का? भिंड का, याद रखिएगा भिंड का भाटी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूरा कौन सी नदी खीनी अभ्यारण से निकलती है? खीनी अभ्यारण,
कौन सी नदी खीनी अभ्यारण्य से निकलती है? आपको पता होना चाहिए खीनी अभ्यारण्य है कहां पहले, तो एक क्वेश्चन यही बन जाएगा। चलिए जल्दी बताइए खीनी अभ्यारण्य के बारे में। चलिए तो इसका सही आंसर है बच्चों बाल गंगा। बाल गंगा जो है वो खीनी अभ्यारण्य से निकलती है। अब इसके बारे में जानिए कुछ कि भाई बाल गंगा से जो उद्गम है आपका, है ना, बाल गंगा का, वो खीनी अभ्यारण्य से ही हुआ है। यहां पर शंकर खो जमनेर झरना है, वाटरफॉल है शंकर खो जमनेर, है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा शंकर खो वाटरफॉल कहां पर है, तो खीनी अभ्यारण्य में है। 1995 में कौन से जिले में? देवास जिले में। 1995 में कौन से जिले में? देवास जिले में इसे स्थापित किया गया था। इसका एरिया लगभग 143.778 किलोमीटर के आसपास है। तो तीन पॉइंट यहां पे हुए, शंकर खो जामनेर वाटरफॉल, दूसरा 1995 में देवास में। इसके अलावा एरिया पूछ सकता है, 143 समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चिड़ीखो झील आती है? चिड़ीखो झील आपकी आती है, कौन से अभ्यारण्य में आपको चिड़ीखो झील देखने को मिलेगी? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए आंसर फटाक से। ऑप्शन है चंबल, सरदारपुर, नरसिंहगढ़ और काली भीट। फटाक से कमेंट में आंसर दें। चलो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। चिड़ीखो। इसका सही आंसर है बच्चों नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है वो आपका किसमें देखने को मिलेगा? यहां पर चिड़ीखो झील देखने को मिलेगी। इसके बारे में बहुत सारे तथ्य अच्छे अच्छे हैं कि स्थापना कब की गई, 1974 में, क्षेत्रफल कितना है, लगभग 57 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास, कौन से जिले में है, राजगढ़ जिले में आता है आपका चिड़ीखो, आपका अभ्यारण जो है नरसिंहगढ़ वाला। इसके अलावा ये जो है चिड़ीखो झील इसके केंद्र में स्थित है, सेंटर में, मतलब ये पार्क है मान के चलो, तो इसके बीचों बीच आपकी चिड़ीखो झील देखने को मिलेगी। इसी प्रकार ये अभ्यारण जो है, आपको बता दूं मैं, ये पुराने जमाने में जो नरसिंहगढ़ की रियासत हुआ करती थी उनकी शिकार के लिए बनाया गया था। शौकीन थे वो लोग तो शिकार करते, तो शिकार के लिए बनाया गया था बेसिकली उस टाइम पे। बाद में इसे अभ्यारण घोषित कर दिया गया था, ये देख सकते हैं आप, है ना, शासकों द्वारा बनाया गया था प्राचीन काल में शिकार के लिए, हाँ, नरसिंहगढ़ और राजगढ़ के लिए, लेकिन बाद में फिर इसे अभ्यारण घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार ये मालवा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है, हाँ ना, दो नदियां यहाँ पर, एक पार्वती है जो कि पूर्वी सीमा बनाती है, जबकि काली सिंध जो है आपकी वो आपकी पश्चिमी सीमा बनाती है। दो नदी बहती है यहाँ पे, क्वेश्चन आ जाएगा नरसिंहगढ़ से कौन सी नदी बहती है, दो नदी, पार्वती और काली सिंध, है ना। इसी प्रकार इसे मालवा पठार का कश्मीर भी कहा जाता है, इसी प्रकार इसे मालवा पठार का कश्मीर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मालवा पठार का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं नरसिंहगढ़ सेंचुरी को कहा जाता है, अभ्यारण्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जोड़ी मिलानी है। पीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं जोड़ी वाले, जहां पर आपको दे दिया राष्ट्रीय उद्यान, क्या दिया है, पन्ना, संजय गांधी, पेंच, कान्हा किसली, और ये यहाँ पे जाएगा एक्चुअली, ये यहाँ पर है आपका मंडला बालाघाट, टांका, छिंदवाड़ा। चलो अब आपको बताना है कि कौन सा किसका होगा। अब इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली बताना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका, है ना, आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, है ना, ये आपको डायरेक्टली बताना है। चलो डायरेक्ट बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाक से, फटाक से डायरेक्ट आंसर दें इसका सभी लोग। चलो तो इसका सही आंसर है, जो मैं आपको पूरा मैप के थ्रू समझा देता हूं। देखिए पन्ना जो है आपका, पन्ना नेशनल पार्क है वो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट लगेगा, पन्ना जो नेशनल पार्क है वो आपका पन्ना और छतरपुर लगेगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, संजय गांधी, तो आपको पता है संजय गांधी जो है सीधी सिगरौली लगेगा आपका, है ना। ऐसे ही आपका पेंच जो है आपका, पेंच कहाँ लगेगा,
पेंच आपका पता है आपको छिंदवाड़ा और टांका लगेगा। कान्हा किसली कहाँ पर है आपका? मंडला। और इसमें है मैप में दिखा देता हूँ, ये देखिए मैप में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, पन्ना में पन्ना नेशनल पार्क जो छतरपुर पन्ना में लगेगा, ये देखिए ये हो गया पन्ना वाला पन्ना नेशनल पार्क। हाँ सीधी सिंगरौली में कौन सा हो जाएगा बच्चों? सीधी सिंगरौली में, सीधी सिंगरौली में यहाँ पर आपका आ जाएगा संजय नेशनल पार्क। ये संजय नेशनल पार्क है ना। ऐसे ही मंडला बालाघाट में लगता है आपका कौन सा वाला? कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। ऐसे ही छिंदवाड़ा में आपका कौन सा लग जाएगा? छिंदवाड़ा में कौन सा लग जाएगा? पेंच लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? पेंच, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र से सीमा टच कर रहे हैं। हाँ तो छिंदवाड़ा में यहाँ पे लग जाएगा पेंच नेशनल पार्क। तो ये थे आज के बढ़िया वाले क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। इतने बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आपने बहुत कुछ सीखने को मिला, होपफुली मजा आया हो। तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए बच्चे हैं आपके लिए मैं बता दूं, और भी सब्जेक्ट की सीरीज जल्दी चालू होने वाली है MCQ वाली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।